हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आज हम गाइस देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़िए अपने आप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, ठीक है, देन ओनली यू शुड वॉच द सोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये है द डिसेंडिंग पुली, ठीक है, एक पुली है देखिए यहाँ पे जिसको बोला जा रहा है डिसेंडिंग पुली। डिसेंड मतलब नीचे जा रही है, फिगर में दिया गया है और इसकी जो रेडियस है वो हमको गिवन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी रेडियस आर जो यहाँ दिया गया है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है इसका। और क्या दिया गया है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से डिनोट करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज 0.20 kg m², ठीक है, ये इसकी यूनिट है। द फिक्स पुली इज लाइट, एक फिक्स पुली है, देखो ये मूवेबल पुली है एंड दिस इज फिक्स पुली, ये लाइट है एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शन लेस, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर है यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg, तो ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, इसका मास जो है यहाँ पर 1 kg दिया गया, ठीक है, दिस मास में स्मॉल m लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि 1 kg, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखते हैं कि आखिर कैसे निकालेंगे हम लोग इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। सो गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो जैसे कि ये जो है मासलेस नहीं है, ये वाली पुली मासलेस नहीं है क्योंकि इसके बारे में बात की तो इसका मास है कुछ, और इसे हम कैपिटल M, इसको स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। अब ये इधर साइड पे फिक्स्ड है और इधर साइड पे ये मूव कर रही है, तो इधर अगर एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, इसको 0 ले लिया और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा से अगर ये इसका एक्सेलरेशन है तो इसको हमने ले लिया अल्फ़ा r, a इज इक्वल टू अल्फा इन टू आर। तो लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन भी देखेंगे आप ये 37 के पहले, वहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है, बिकॉज इट टेंजेंशियल है ना एक्सेलरेशन, तो ये जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू जो रेडियस है हमारा उसके साथ, तो डेटा हम लोग बाद में पुट करेंगे, पहले हम कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो बहुत ही धीरे धीरे करूँगा गाइस, तो डोंट वरी। तो ये एक्सेलरेशन इसका 0 है। अब हमें निकालना है कि अगर ये सेंटर का अल्फ़ा आर है, ये जो सेंटर पे है, क्योंकि क्या होता है देखो a1 + a2 / 2, दिस इज़ वॉट। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये अल्फ़ा आर है और अगर ये 0 है तो इसका कितना होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए गाइस 2 α r, दिस इज 2 α r, ठीक है, क्योंकि देखो 2 α r + 0/2, तो ये सेंटर का आ जाएगा अल्फ़ा आर, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अब मैं रब कर देता हूँ कि 2 α r कैसे आया, हालांकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चन हैं उनमें ये चीज़ बताई गई है आपको कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा गाइस, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब क्योंकि ये मासलेस नहीं है ये वाली पुली, तो इसमें टॉर्क लगेगा, मासलेस नहीं है तो इसमें टॉर्क लगेगा, तो अलग अलग टेंशन यहाँ लगेंगे। तो इधर आई एम टेकिंग कि T1 है और यहाँ पे आई एम टेकिंग कि T2 टेंशन है। अब देखो टॉर्क कैसे लगेगा गाइस, हाउ द टॉर्क इज गोइंग टू एक्ट। तो टॉर्क देखो कैसे लगाएंगे हम लोग, टॉर्क कहीं पर भी लगा सकते गाइस, तो सेंटर पर ना लगा के हम टॉर्क को इस पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक है, सेंटर पे ना लगा के टॉर्क को कहाँ लगाएंगे हम लोग, बोलो, इस पॉइंट पे। यहाँ क्यों लगाएंगे, जिससे कि देखो टेंशन T1 T2 दो वेरिएबल है, तो एक को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे लगा दो, दैट विल बी बेटर। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, T2 × r, ठीक है, T2 × r, 2R बेसिकली, क्योंकि इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी, ये R है, ये R है, तो कितना हो गया 2R, तो T2 × 2R। और यहाँ क्या लग रहा है देखो,
एम जी लग रहा है। अब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी आर है, तो कितना हो गया, ठीक है, एम जी आर। तो टी टू देखो उधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है उस साइड, और एम जी इस साइड। इस पॉइंट पे देखो इसका रोटेशन जो है कैसा है, क्लॉकवाइज। इसका रोटेशन कैसा है, यहाँ से फिक्स करके ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस एम जी आर। और आई अल्फा, अब यहाँ पे जो आई है वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर तो हमारा एम आर स्क्वायर अल्फा है, आई है ना, पर यहाँ पे एम आर स्क्वायर, ठीक है, डिस्क है, तो हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा यहाँ पर है, हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन एम हाफ एम आर स्क्वायर और फिर हम एम आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है, दिस इज एम हाफ एम आर स्क्वायर तो सेंटर पे है, ठीक है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम आर स्क्वायर, तो क्या हो गया, 1 प्लस 1.5 दैट इज 3/2, तो यहाँ पे 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा, ये पहली इक्वेशन है गाइस, ठीक है। अगर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहते हो तो आप इसको प्लस लिख दो और इसको माइनस लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, तो कर देते हैं वैसा क्योंकि हम लोगों ने उसी साइड, तो ये तो आ गया, हो गया कि 3 एम आर स्क्वायर कैसे आया है, वो यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, एक इक्वेशन और हमारे पास कहाँ है, ये स्मॉल m जिसका मास मालूम है हमें, ये टेंशन क्योंकि ये मासलेस है, तो यहाँ पर T2 ही लग रहा है, तो T2 क्या है, T2 ही फोर्स है, तो T2 इज इक्वल टू ma, m तो स्मॉल m है, और a कितना है, a इज 2 अल्फा r, सो दिस इज 2 अल्फा r, ये यहाँ लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो देखो क्या करेंगे, एम जी आर माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 4 एम, और कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 एम, अल्फा एन आर पहले से तो आर स्क्वायर, तो 4 एम अल्फा आर स्क्वायर, एंड दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर आर कैंसिल हो गया, ये आर कैंसिल हो गया, ये आर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये आर, 2r अल्फा निकालना है हमको, तो 2r अल्फा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो ये r अल्फा है हमारे पास, ये r अल्फा है, इनको हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम जी इज इक्वल टू, इन सबको एक तरफ कर लिया हम लोगों ने, 3/2 कैपिटल M, और कितना है, आर अल्फा को बाहर लेना है हमें, तो प्लस आर अल्फा कॉमन है यहाँ पे, तो 4m इंटू आर अल्फा, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो आर अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली इसको हम लोग लिखेंगे एम जी अपॉन 3/2 कैपिटल M प्लस 4m। अब 2r अल्फा चाहिए हमको, तो 2mg अपॉन 3/2m प्लस 4m हो जाएगा, ये है मेन। अब लेकिन देखो हमें क्या क्या पता है, अब देखो हमें एक स्मॉल m तो पता है, g वगैरह पता ही है, ओनली थिंग इज अननोन इज दिस m, तो ये तो बहुत आसानी से यहाँ निकाल लेते हैं हम, क्योंकि i दिया गया है, तो i मैंने बताया था आपको कि ये i जो हमारा है दैट इज हाफ, क्योंकि डिस्क है ना ये, तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज 0.20, और जो r है दैट इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि वो भी 0.20 है, तो यहाँ पे हम लोग 0.20 का स्क्वायर कर देंगे, 0.20 का स्क्वायर, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो m क्या हो जाएगा, देखो m हो जाएगा कि 0.2 उधर चला जाएगा अपना नीचे, और 2 इधर हो जाएगा,
टू अपॉन टू इधर गया और पॉइंट टू इधर चला गया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, दिस इज 10। ठीक, तो m की वैल्यू 10 आ गया। बस अब लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे गाइस, जस्ट पुट इट हियर, क्योंकि ये 2r अल्फा ही निकालना है। तो m निकल आया 10 kg, तो वहाँ पुट करो 2 इंटू 10 इंटू 9.8। ठीक है, तो 98 इंटू 2 हो जाएगा ऊपर, दैट इज 196। नीचे कितना होगा, 10 से कैंसिल होगा, ध्यान रखो यहाँ पर 10 रखेंगे हम लोग, तो 253 15, और m क्या रखेंगे 1, तो 4 आ जाएगा। सो दिस इज लाइक 19, तो 196 अपॉन 19, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, विच इज a वी हैव टेकन, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी गाइस। तो लगता तो टिपिकल है, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए करोगे तो आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।